एक छोटे से कस्बे में प्रिया नाम की एक लड़की अपने माँ बाप और दादी मुन्नी देवी के साथ रहा करती थी। मुन्नी देवी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी क्योंकि उन्हें एक पोता चाहिए था, पर फिर भी प्रिया अपने माँ बाप के साथ खुश थी। लेकिन एक दिन उसके माँ बाप की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई और वो बेचारी अनाथ हो गई। हे भगवान, ये तूने क्या किया? तूने मेरे माँ बाप को अपने पास क्यों बुला लिया? अब मैं क्या करूँगी? ये तो होना ही था। मैंने तो पहले ही कहा था कि लड़की नहीं होनी चाहिए। अपने माँ बाप को खा गई डायन। ये आप क्या बोल रही हैं दादी? मैं कोई तेरी दादी वादी नहीं हूँ और ना ही तुझे अब इस घर में रुकने का कोई हक है। मेरी पेंशन के पैसे से तेरा पेट नहीं भर पाऊंगी मैं। निकल जा मेरे घर से। प्रिया बहुत रोती है पर मुन्नी देवी को उस पर बिल्कुल तरस नहीं आता और वो उसे घर से निकाल देती है। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? मेरी दादी ने तो मुझे ऐसे निकाल दिया जैसे मैं उनकी कोई हूं ही नहीं। क्या हुआ प्रिया, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? गगन प्रिया का पड़ोसी था। प्रिया उसे पूरी बात बताती है तो वो कहता है, अरे ये तो उन्होंने बहुत गलत किया, पर चलो अब जो हो गया सो हो गया। तुम एक काम करो, तुम मेरे ढाबे में काम कर लो। तुम्हें जो भी आता हो वो बना लेना और वहीं रह भी लेना। सच में? हाँ बिल्कुल। प्रिया सोच रही थी कि गगन उसकी मदद कर रहा है, पर गगन को असल में एक काम करने वाले की जरूरत थी जो उसे फ्री में मिल रहा था। प्रिया वहाँ रहकर पॉपकॉर्न बनाकर बेचने लगती है क्योंकि उसे पॉपकॉर्न ही बनाना आते थे। अरे गगन भैया, तुमने इस लड़की को रखकर बहुत अच्छा किया। ये पॉपकॉर्न बहुत अच्छी बनाती है। धन्यवाद। लोगों को प्रिया के पॉपकॉर्न बहुत पसंद आते हैं। एक टाइम ऐसा भी आ जाता है जब लोग गगन के ढाबे को प्रिया के पॉपकॉर्न के नाम से जानने लगते हैं। ये चीज गगन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो प्रिया को वहाँ से निकाल देता है। पर अंकल, मैं कहाँ जाऊंगी? जहाँ जाना है जा। मैंने तेरी मदद की थी पर तू तो मेरा कारोबार खाने में लगी है। गगन प्रिया को भगा देता है। वो अपने पॉपकॉर्न लेकर वहाँ से चली जाती है और सड़क किनारे बैठकर रोने लगती है। मैंने क्या पाप किया था भगवान, जो पहले मेरे माता पिता मुझसे छोड़कर चले गए, फिर मेरी दादी ने मुझे घर से निकाल दिया और अब ये सब हो रहा है। भगवान मेरी मदद करो। तभी उस पर भगवान की कृपा होती है और पॉपकॉर्न बोल पड़ता है, तुम चिंता मत करो प्रिया, सब ठीक हो जाएगा। कौन कौन बोल रहा है? मैं पॉपकॉर्न बोल रहा हूँ। भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। हम तुम्हारे जादुई पॉपकॉर्न हैं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? ओहो, जादुई पॉपकॉर्न? मुझे तो बस ये चाहिए कि मैं पॉपकॉर्न बेचकर पैसे कमा सकूं और अपनी जीविका चला सकूं। पॉपकॉर्न कुछ बोल पाता उससे पहले प्रिया की नजर पड़ती है कि वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ रो रहा है। वो उसके पास जाती है। क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? मुझे ये सारा सामान लेकर अपने शहर जाना था पर मेरी ट्रेन छूट गई। अब मैं क्या करूँगा? मुझे आज ही पहुँचना था क्योंकि मेरी बेटी की शादी है। अच्छा ये बात है। एक मिनट रुकिए, जादुई पॉपकॉर्न, क्या तुम इनकी मदद कर सकते हो? हाँ जरूर, बताओ तो मैं ट्रेन बनकर तुम्हें इनके शहर ले जाऊं? हाँ हाँ जरूर। एक पॉपकॉर्न प्रिया के हाथ से उछलता है और एक बड़ी सी ट्रेन में परिवर्तित हो जाता है। ट्रेन क्या यहाँ सड़क पर चलेगी? ये जादुई पॉपकॉर्न ट्रेन है, ये कहीं भी चल सकती है। अब आप आराम से अपने घर जाइए। बूढ़ा आदमी उस जादुई पॉपकॉर्न ट्रेन में बैठकर चला जाता है। फिर प्रिया बाकी बचे पॉपकॉर्न से कहती है, तो क्या तुम लोग मेरे लिए घर बना सकते हो? हाँ क्यों नहीं। तो वो भी ट्रेन जैसा बनाना, क्योंकि मुझे ये जादुई पॉपकॉर्न ट्रेन बहुत अच्छी लगी। ठीक है। एक पॉपकॉर्न हवा में उड़ता है और एक बड़े से ट्रेन घर में परिवर्तित हो जाता है। प्रिया को वो पॉपकॉर्न ट्रेन इतनी अच्छी लगती है कि उसके बाद से वो पॉपकॉर्न को छोटी सी ट्रेन बनाकर ही बेचने लगती है। वो कभी खत्म नहीं होता है और उसके ग्राहकों से बात भी करते हैं। उसके ग्राहक ये देखकर बहुत हैरान होते हैं।
अरे प्रिया, तुमने इन पॉपकॉर्न को ट्रेन का रूप कैसे दे दिया? ये जादुई पॉपकॉर्न ट्रेन है, आप इन्हें खा भी सकते हैं या इसमें बैठकर कहीं जा भी सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रिया अपनी जादुई पॉपकॉर्न ट्रेन की वजह से बहुत फेमस हो जाती है। उसके पास दूर दूर से लोग आते हैं। ये सब देखकर गगन को बहुत गुस्सा आता है, पर उसे पता था कि जादुई पॉपकॉर्न की वजह से वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए वो कुछ नहीं करता। मगर फिर एक दिन प्रिया देखती है कि एक बूढ़ी औरत भीख मांगती हुई जा रही है। अरे ये औरत तो कहीं देखी देखी सी लग रही है। हे भगवान, ये तो मेरी दादी है। दादी, ओ दादी, रुक जाओ। दादी, आपकी ये हालत कैसे हो गई? क्या हुआ आपको? वो हमारा पड़ोसी है ना गगन, उसने मेरा घर हड़प लिया और मुझे निकाल दिया। अरे पर ये सब कब हुआ और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कुछ ही दिन पहले, और मैं तेरे पास किस मुंह से मदद मांगने आती? मैंने तो तुझे घर से निकाल दिया था। घर से निकाल देने से रिश्ता थोड़ी ना खत्म हो जाता है। मैं कल भी आपकी पोती थी और आज भी आपकी पोती हूँ। चलिए हम अपना घर वापस लेते हैं। पर कैसे, उसके पास तो गुंडे भी है। आप फिक्र न करिए, उसके पास गुंडे है तो मेरे पास जादुई पॉपकॉर्न ट्रेन है। प्रिया अपने पॉपकॉर्न ट्रेन के पास जाती है और कहती है, पॉपकॉर्न ट्रेन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ बताओ प्रिया, क्या मदद चाहिए? हम तो तुम्हारी मदद करने के लिए ही हैं। मेरी दादी का घर मेरे पड़ोसी गगन ने हड़प लिया है, वो वापस लेना है। बस इतनी सी बात? आओ बैठो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। प्रिया और मुन्नी देवी पॉपकॉर्न ट्रेन में बैठ जाती है। वो जादुई पॉपकॉर्न ट्रेन सीधा मुन्नी देवी के घर के सामने जाकर रुकती है। गगन, अरे ओ गगन, बाहर आओ। क्या है, क्या चाहिए तुझे? ये मेरी दादी का घर है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। नहीं, अब ये मेरा घर है। जैसे तूने मुझसे मेरी कारोबार छीना, वैसे ही मैंने तेरी दादी का घर छीन लिया। हिसाब बराबर। मैंने कोई तुम्हारा कारोबार नहीं छीना, तुम्हारे ढाबे पर अब भी लोग आते हैं। पर जितने तुम्हारे पॉपकॉर्न खरीदते हैं उतने नहीं आते। ये लालच है, और तुम्हें अगर मेरी जादुई पॉपकॉर्न ट्रेन से दिक्कत है तो जान लो, ना तू मुझे ढाबे से निकालते और ना ही मुझे ये जादुई पॉपकॉर्न ट्रेन मिलती। मुझे कुछ नहीं पता, चली जाओ यहाँ से। तुम ऐसे नहीं मानोगे। प्रिया उस जादुई पॉपकॉर्न ट्रेन को इशारा करती है। वो पॉपकॉर्न ट्रेन गगन को उठाती है और अपने अंदर बैठाकर घुमाने लगती है और फिर जमीन में पटक देती है। गगन उठकर भागने की कोशिश करता है, पर जादुई पॉपकॉर्न ट्रेन उसे भागने नहीं देती। गगन घर के अंदर भागता है तो जादुई पॉपकॉर्न ट्रेन छोटी होकर अंदर जाती है और उसे घसीटकर बाहर लाती है। बस करो, बस करो, मुझे माफ कर दो, मैं ये घर छोड़कर चला जा रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। मेरी बात पहले मान लेते तो इतनी पिटाई ना होती। तुम्हारी तरक्की देखकर मुझे बहुत जलन हो रही थी, इसीलिए मैंने ये सब किया। मैंने सोचा कि तुम्हारी दादी तो अब तुमसे बोलती नहीं है, तो तुम इनकी मदद करने नहीं आओगी। मेरी दादी मुझसे बोले या ना बोले, पर मैं उनके लिए हमेशा खड़ी हूँ। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैंने तुझे बहुत परेशान किया, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। नहीं दादी, आप मुझसे माफी ना मांगे, आप बड़ी है। गगन वहाँ से भाग जाता है और उस दिन के बाद से मुन्नी देवी और प्रिया साथ में मिलकर खुशी खुशी रहती है। रामपुर नामक के एक गांव में सुमन नाम की एक औरत अपने पति हीरा और बेटी पिंकी के साथ एक झोपड़ी में रहा करती थी। सुमन का एक पति गांव के ही एक सेठ के आम के बाग में काम करता था। सुमन एक बहुत ही ईमानदार और सभ्य महिला थी, पर उसका पति हीरा बहुत घमंडी और असभ्य था। मैं काम से थका मांदा लौट कर आया और तूने अभी तक खाना नहीं लगाया। अब आप आए हो तो आपको गर्मा गर्म खाना परसूंगी। मैंने तुझे पहले ही समझाया कि मेरे आने से पहले खाना लग जाना चाहिए, और तू मुझे दरवाजे पर पानी के एक गिलास के साथ खड़ी मिला। पर अरे पर वर ना कर, इस घर में मैं पैसा कमा कर लाता हूँ तो तुझे मेरा कहा मानना पड़ेगा। तू करती ही क्या है,
पूरे दिन घर में बैठ के हा? हीरा सुमन को ऐसे ही ताने दिया करता था क्योंकि उसे घर का आदमी होने और पैसा कमाने का बहुत घमंड था। उसे लगता था एक औरत कुछ भी नहीं कर सकती। पर फिर एक दिन रास्ते में, अरे आज तो इस कलमोही सुमन के चक्कर में मुझे देर हो गई, अब सेठ चिल्लाएगा, चलो जितना चिल्लाना है चिल्ला ले, पर पगार ना काटे बस, वरना मैं क्या करूंगा। हीरा ये सब सोचता हुआ तेजी में जा ही रहा होता है कि तभी एक तेज रफ्तार में आती गाड़ी उसको टक्कर मार देती है और उसके पैरों पर से उतर जाती है। वो दर्द से तड़पने लगता है। लोग उसे अस्पताल पहुंचाते हैं और उसकी पत्नी को खबर करते हैं। अरे ये क्या हो गया आपको? अरे चुप कर मनहूस, ये सब तेरे ही वजह से हुआ है। तेरी ही वजह से मुझे निकलने में देर हुई थी और जल्दी के चक्कर में मेरा एक्सीडेंट हो गया। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने जानबूझकर तो आपको देर नहीं कराई। चुप हो जा। तभी डॉक्टर आते हैं और बताते हैं, मैं माफी चाहूंगा पर कार ने आपके पैर को बिल्कुल कुचल दिया है, इसीलिए अब आप कभी चल नहीं पाएंगे। ये सुनकर हीरा और सुमन दोनों रोने लगते हैं और फिर वो घर आ जाते हैं। हीरा अब पूरी तरह से बिस्तर को लग गया था और उसका काम छूट गया था। तब एक दिन सेठ उसके दरवाजे पर आया और बोला, क्या बात है हीरा, तू काम पे क्यों नहीं आ रहा है? सेठ की आवाज सुनकर सुमन दरवाजे पर जाती है और उसको पूरी बात बताती है। वो सुनकर सेठ कहता है, अरे तो अब तेरा घर कैसे चलेगा? एक काम कर, तू अपने पति की जगह काम कर ले, मुझे भी काम करने वाले की जरूरत है और तुझे पैसे की। क्या सच में? हाँ और क्या, तेरे तो हाथ पर सलामत है ना। उस दिन से सुमन सेठ के बाग में काम करके पैसे कमाने लगती है। हीरा कुछ कहता तो नहीं है पर उसको ये बात समझ में आ जाती है कि उसे अपने काम पर घमंड नहीं करना चाहिए था। कोई भी इंसान कोई भी काम कर सकता है। तुम काम पर जा रही हो? हाँ मैं काम पर जा रही हूँ, खाना बनाकर मैंने रख दिया है। जब तक मैं आऊंगी तब तक पिंकी तुम्हारा ख्याल रखेगी। हाँ जब तक तुम नहीं आ जाती हो ये मेरा बहुत ख्याल रखती है, तुमने इसे बहुत अच्छे से संस्कार दिए हैं। ये सुनकर सुमन कुछ नहीं बोलती और अपने काम में लग जाती है। कुछ समय गुजरता है और फिर एक दिन गांव में तूफान आ जाता है। उस तूफान में सुमन की झोपड़ी गिर जाती है। हालांकि सुमन, हीरा और पिंकी तीनों बाल बाल बच जाते हैं। माँ हमारा घर तो गिर गया, अब हम कहाँ रहेंगे? पता नहीं बेटा, देखती हूँ अभी कुछ। सेठ के पास चलो, वो जरूर हमारी कुछ मदद करेंगे। हाँ ये ठीक रहेगा। वो तीनों सेठ के पास जाते हैं और अपनी परेशानी बताते हैं। पर सेठ एक नंबर का लालची इंसान था, उसे दूसरों की परेशानी से कोई मतलब नहीं था। वो कहता है, अरे मेरे पास कोई जगह वगह नहीं है तुम्हें रखने के लिए, तुम मेरे आम के बाग में काम करती हो तो मैं तुमको बस कुछ आम दे सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ मदद नहीं कर सकता मैं तुम्हारा। सेठ उनको कुछ आम देकर वहां से जाने को कह देता है। सुमन अपने पति और बेटी को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ती है। जंगल पहुंचकर तीनों एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। तभी सुमन को एक चिड़िया दिखती है जिसके पैरों में डोर उलझी हुई होती है और वो उड़ नहीं पा रही होती है। माँ देखो इस चिड़िया के पैरों में तो डोर उलझ गई है, इसको निकाल दो। हाँ बेटा मैं भी वही देख रही थी। ये कहकर सुमन उस चिड़िया के पैरों से वो डोर निकाल देती है। जैसे ही चिड़िया आजाद होती है तो वो एक परी में परिवर्तित हो जाती है, जिसे देखकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं। मैं कोई चिड़िया नहीं परी हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि क्या तुम इतनी मुसीबतों से घिरे होने के बाद भी अच्छा काम करोगी या नहीं, तुम्हारा भगवान पर विश्वास बचा है या नहीं, और तुम इस परीक्षा में पास हो गई हो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैं अपने सामने एक परी को देख रही हूँ। माँ ये परी तो बहुत खूबसूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा पिंकी, और सुमन मैं तुम्हारी भलाई से बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम्हारे पास जो आम है वो उनको मैंने जादुई बना दिया है,
तो तुम उनसे जो चाहो वो कर सकती हो। परी ये बोलकर गायब हो जाती है और सुमन जमीन में रखे हुए आमों को देखती है। वो आगे बढ़कर उन आमों को उठाती है और कहती है, अगर वो परी सच कह रही थी कि ये आम जादुई है तो मैं चाहती हूँ कि मुझे एक घर मिल जाए जिसमें हम तीनों आराम से रह सके। सुमन के इतने कहने की देर थी और बस वो आम एक बड़े से जादुई मैंगो हाउस में परिवर्तित हो गए। वाह, कितना प्यारा घर है ये। हाँ पिंकी, ये सब तुम्हारी अच्छाई का ही नतीजा है सुमन। मैंने हमेशा तुमको बुरा भला कहा, पर आज तुम्हारी वजह से हमें इतने अच्छे घर में रहने को मिला है। अरे ऐसे ना कहिए जी, ये हम सबकी किस्मत का है। फिर वो तीनों लोग उस घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर जाते ही हीरा के पैर ठीक हो जाते हैं और वो अपने आप बिना किसी सहारे के चलने लगता है। अरे मैं तो ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। ये जादुई मैंगो हाउस तो सच में जादुई है। अरे वाह, आप ठीक हो गए। फिर वो लोग उस घर में आराम से रहने लगे। थोड़ा समय गुजरा और उनका मैंगो हाउस पूरे इलाके में मशहूर हो गया। ये खबर सेठ के पास भी पहुंची। सेठ ठहरा लालची, वो उस जादुई मैंगो हाउस को हड़पने के लिए निकल पड़ा। अरे ये दोनों मेरे बाग में काम करते थे और आज मुझसे भी अच्छे घर में रह रहे हैं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सेठ गुस्से में उनके घर में घुसता चला जाता है और चिल्लाने लगता है। वो उन तीनों को वहां से बाहर निकालना चाहता था, पर तभी कुछ आम उड़ते हुए आते हैं और उसके सिर पर लगने लगते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? आम बढ़ते चले जाते हैं और सेठ को बुरी तरह मारने लगते हैं। सेठ की हालत खराब हो जाती है तो वो उन तीनों से माफी मांगने लगता है। उन तीनों को भी तरस आ जाता है और वो उसे माफ कर देते हैं। हमने तुम्हें माफ कर दिया सेठ, पर आगे से ऐसा कभी ना करना। तुम अपने जीवन में खुश रहो और हमें भी रहने दो। अब मैं कभी लौट कर इधर नहीं आऊंगा। तौबा, मेरे बाप की तौबा। सेठ वहां से भाग जाता है और तीनों उस जादुई मैंगो हाउस में एक अच्छा जीवन जीते रहते हैं। दूर जंगल में एक झोपड़ी बनाकर माँ बेटे रहा करते थे। पति के मर जाने के बाद वाली पुरानी कुरीति के कारण उन्हें गांव से निकाल दिया जा चुका था, जिसके बाद कुछ वनवासियों ने उन्हें सहारा दिया और जंगल में ही उनके लिए झोपड़ी बनाकर उनके रहने का ठिकाना तैयार कर दिया। माँ, अब हम इस जंगल के बीच में रहेंगे। हाँ बेटा, भगवान जी की यही मर्जी है कि अभी हम यही रहे। तुम जाओ कुछ लकड़ियाँ तोड़ कर ले आओ जंगल से, तब तक मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। ठीक है माँ, अभी लेकर आता हूँ। दोनों माँ बेटों के खाने पीने का पूरा इंतजाम उन वनवासियों ने ही किया था। बेटा अभी काम करने के लिए छोटा था। माँ अपने 14 साल के बेटे को लेकर चिंता में थी। उसको पालने के लिए उन्हें काम करने की जरूरत महसूस हो रही थी। भैया, मुझे कहीं पर कोई काम मिल सकता है क्या? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि हम माँ बेटों के लिए आप सबको परेशान होना पड़ रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है बहन। इस दुनिया की कुरीतियों ने जिसे भी ठुकराया है उसे इस जंगल ने ही अपनाया है। भैया, मानती हूँ मैं ये बात, पर मुझे कुछ काम करने का मन है अपनी जिंदगी में व्यस्त रहने के लिए। ठीक है बहन, अगर आपका काम करने का ही मन है तो आप मेरे रसोई में खाना बना दीजिए। मैं और मेरी पत्नी, कुल 2 लोगों का परिवार है मेरा। मेरी पत्नी को भी आपके होने से एक सहेली मिल जाएगी। साथ ही अपने और बच्चे के लिए भी खाना एक साथ बना लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, मैं आज शाम से ही काम चालू कर देती हूँ। उस दिन से हर रोज वनवासी के घर का 2 वक्त का खाना माँ बनाने लग गई। इस तरह माँ बेटों की जिंदगी कटती गई। जंगल में रहते रहते पूरा साल गुजर गया। माँ बेटे अपनी रोज की एक जैसे दिनचर्या में व्यस्त थे। एक दिन वनवासी के घर में दाल बनाते वक्त दाल खत्म हो गई। माँ ने बेटे को आवाज लगाई, बेटा जाओ जाकर दाल का प्रबंध करके लाओ कहीं से भी। ये उस माँ की अपने बेटे को खुद के पैरों पर खड़ा करने के लिए की गई पहली कोशिश थी। मैं कहाँ से प्रबंध करूँ माँ, मुझे क्या पता ये दाल कहाँ मिलेगी।
यही तुम्हारी परीक्षा है बेटा। तुम्हें अगर चलकर खुद के पैरों पर खड़ा होकर हमारा परिवार चलाना है, अभ्यास अभी से करना होगा तुम्हें। मैं समझ गया आपकी बात को माँ, मैं कहीं से भी दाल का प्रबंध करके आता हूँ। बेटा, दाल का प्रबंध करने का लक्ष्य लिए जंगल से शहरी इलाके की ओर निकल जाता है। दिमाग में यही चलता रहता था कि कहीं किसी दुकान पर काम करके दाल खरीद लाऊंगा। वो शहर की दुकानों में काम मांगने लग गया। मालिक, कोई काम मिलेगा क्या? मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, बदले में तुम मेरा खंडहर हो चुका गोदाम साफ कर दो। ठीक है मालिक, मैं जल्दी से काम पर लग जाता हूँ। बेटे ने जल्दी से सारे गोदाम को साफ कर दिया और उस सफाई से मिले पैसे से दाल खरीद कर जंगल की तरफ चल दिया। आज बेटा भी खुश था। वो अपनी माँ के लिए अपनी पहली कमाई लेकर जा रहा था। बेटे को पता भी नहीं था कि उसकी माँ के हाथों से ऐसा जादू होने वाला है जो उसके होश उड़ा देगा। बेटा अपनी कमाई का दाल खरीद कर माँ को देने के लिए खुशी खुशी जा रहा था। शाम की रोशनी अब अंधेरे में तब्दील हो चुकी थी। तभी बीच जंगल में से एक राक्षस ने बेटे का रास्ता रोका। कहाँ जा रहे हो? बेटे ने डरते डरते उस राक्षस को जवाब देने की कोशिश की। अपने घर जा रहा हूँ, मेरी माँ ने मुझसे ये दाल मंगवाई थी, उन्हें खाना बनाना है। मुझे अभी बहुत भूख लगी है, मुझे खाने के लिए चाहिए। बरसों बाद मुझे आज इस बरगद के पेड़ से छुटकारा मिला है, मुझे ये दाल दे दो खाने के लिए। ये मेरी पहली मेहनत की कमाई से खरीदी हुई दाल है जिसे मेरी माँ ने मंगवाया है मुझसे। वो इस दाल के लिए मेरा रास्ता देख रही होंगी वापस आने का। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं अपने हिस्से का खाना आपको दे दूंगा। राक्षस बेटे की बात को सुनकर काफी नर्म भाव से हंसकर उसे कहा, बेटा तुम्हें तकलीफ होगी, क्यों अपने हिस्से का भोजन मुझे देना चाहते हो? क्योंकि मैं किसी भूखे को भूखा नहीं जाने दे सकता, चाहे वो इंसान हो या राक्षस। बेटा राक्षस के साथ घर आ गया और अपने कमाई के पैसे से खरीदी हुई दाल को अपनी माँ के हाथों में सौंप दिया। माँ का हाथ लगते ही वो जादुई दाल हो गया। राक्षस को चुपके से बेटे ने अपने हिस्से का खाना परोसा। ये लीजिए दाल रोटी खाइए, वर्षों से भूखे हैं आप। राक्षस के दाल खाते ही एक धुआं उठा और वो राक्षस एक इंसान में बदल गया। अरे आप कौन हो? अभी तो थोड़ी ही देर पहले आपका रूप अलग था, अब आप एक इंसान बन गए, बिल्कुल मेरे गुजर चुके पिताजी की तरह। मैं तुम्हारा पिताजी ही हूँ बेटा, यमदेव ने मुझे वक्त से पहले बुला लिया था। सच में आप हैं पिताजी? आप वापस कैसे आए फिर? हाँ बेटा, मेरे वापस आने की वजह तुम्हारे माँ के हाथों की बनी ये जादुई दाल है जो अभी मैंने खाई। मैं आपकी बात को समझा नहीं। यमदेव ने मुझे कहा था कि बेटे की पहली कमाई से उसकी माँ के हाथों की दाल खाकर मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मैं अपने शरीर में हमेशा के लिए वापस आ जाऊँगा। आज तुम्हारे माँ के हाथों की दाल ने ये जादू कर दिया, अब मैं हमेशा तुम दोनों का ख्याल वापस रख सकता हूँ। इस तरह से अपने पिता को वापस पाकर बेटा खुश हो गया और उस गरीब माँ के हाथों की जादुई दाल ने अपना टूट चुके हुए परिवार को फिर से खुशहाल कर दिया। लाली एक आम के बगीचे में माली का काम करती थी। जो भी पैसा उसे मिलता था उसे खुद को और अपने छोटे भाई को पाल रही थी। खुद की पढ़ाई रोककर अपने भाई को पढ़ा रही थी। माँ बाप नहीं थे। लाली के झोपड़ी में लाली और उसका भाई निखिल, केवल यही दो लोग रहा करते थे। निखिल, ओ निखिल। हाँ दीदी, कहिए। ये क्या अंक लेकर आए हो परीक्षा में? इसलिए मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर तुम्हें पढ़ा रही हूँ। उस वक्त बीमार पड़ गया था दीदी, इसीलिए अच्छे पढ़ाई नहीं कर पाया था। मुझे माफ कर दो, अगली बार से अच्छे अंक लाऊंगा। पढ़ाई का कोई बहाना नहीं होता। ठीक है, बीमार थे, दवाई भी लाकर दी थी मैं तुमको। आगे से ऐसा अंक लाना होगा तो पहले बता देना, मैं तुम्हारी फीस ही नहीं भरूंगी। अब दोबारा नहीं होगा दीदी। ठीक है,
जाओ अब स्कूल। निखिल को स्कूल भेजकर लाली आम के बगीचे की तरफ काम पे निकल गई। वो जाते जाते रास्ते में सोचने लगी, इस निखिल को कौन समझाए कि मैं भी अकेली ही हूँ। ऐसे इस माली की नौकरी करके कब तक पाल पाऊंगी, वो भी अब बड़ा हो रहा है, अब मन लगाकर पढ़ेगा नहीं तो उसकी आगे की पढ़ाई तो पूरी कठिन हो जाएगी। तब तक बगीचे का मालिक आ जाता है। बड़ी देर कर दी बिटिया, तबीयत तो ठीक है? सब ठीक है काका, केवल अपना वो निखिल है ना, पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं कर रहा, भगवान जाने कब बुद्धि आएगी उसे। कोई बात नहीं बिटिया, वो अभी बच्चा है, धीरे धीरे समझदारी आ जाएगी। जाओ तुम तब तक पेड़ों को सींच दो। जी मालिक, जा रही हूँ। मेरा भाई अपना पढ़ाई ठीक से करे ना करे, मैं जरूर ठीक से काम करूंगी। तुम इसीलिए मेरी बड़ी बेटी जैसी हो। आम के बगीचे में लाली पाइप से पेड़ों को पानी दे रही थी। जहाँ जहाँ कीड़े लगे थे वहाँ कीड़े मारने की दवाई छिड़क रही थी। तभी लाली ने एक अजीब घटना देखी। ये पेड़ इस पानी से गीला क्यों नहीं हो रहा? इतनी जल्दी तो किसी भी पेड़ का पानी नहीं सूखता। लाली आगे बढ़कर दूसरे पेड़ों में पानी देने लग गई। तब तक एक आवाज आई, मुझे और पानी चाहिए, मुझे और पानी दो। ये आवाज किधर से आ रही है? पीछे मुड़कर देखो। लाली ने पीछे मुड़कर देखा तो एक आम का पेड़ बात कर रहा था। ये वही पेड़ था जो पानी से गीला नहीं हो रहा था। कौन हो तुम, इस पेड़ से क्यों आवाज निकाल रहे हो? मैं कोई ऐसा वैसा आम का पेड़ नहीं हूँ, मैं जादुई आम हूँ। जादुई आम? कैसा जादुई आम? अपने हाथों से मेरे फल को तोड़ लो, तुम्हारे हाथों से टूटे इस फल के रस को जो भी पिएगा वो तुम्हारी हर बात मानेगा, वो तुम्हारे वश में हो जाएगा। ऐसा सच में है? विश्वास ना हो तो जाओ, जाकर अपने मालिक को आमरस पिलाकर कोशिश कर लो। ठीक है, कोशिश करती हूँ। लाली उस आम के पेड़ से दो चार आम तोड़कर उसका आमरस बनाती है और मालिक के पास जाती है। मालिक ये पीजिए ताजा आमरस। अरे वाह बेटा, शुक्रिया। और मालिक आमरस पीते ही लाली के वश में हो जाता है। बताइए मैडम, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप मुझे आम के सारे फल दे दीजिए, मैं जब चाहूं तोड़ के लेते जाऊं। बस इतनी सी बात बेटा, ये पूरा बगीचा ही तुम्हारा है, जहाँ से लगे चले जाओ। लाली को पेड़ की बात पर यकीन हो गया, उसने पेड़ को शुक्रिया कहा और थोड़े से आम तोड़कर घर लेते गई। घर पर निखिल स्कूल से आ चुका था। लाली ने निखिल के लिए आमरस बनाया। निखिल जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ दीदी, क्यों बुला रही हो? ये ले जल्दी से ये आमरस पी जा। ये तो मेरा फेवरेट है। निखिल पूरा आमरस पी जाता है। देखो निखिल, तुम्हें ही पढ़ लिख कर हमारे परिवार को आगे लेकर जाना है, अब पूरा मन लगाकर पढ़ाई में जुट जाओ। थोड़ी देर बाद, दीदी मुझे माफ कर दो, मैं पढ़ाई में लापरवाही किया था इसीलिए कम अंक आए थे, आगे से अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। लाली समझ जाती है कि आमरस के जादू ने उसका काम कर दिया है, अब उसका भाई सही रास्ते की तरफ चला गया है। लाली के आगे अब अगली समस्या अपनी माली हालत को सुधारने की थी। गांव में मंत्री जी का दौरा हुआ था, उन्हें किसी गरीब के घर में बैठकर भोजन करना था, ऐसा मंत्री जी के लिए आलाकमान का निर्देश था। गांव के सरपंच ने लाली के घर का प्रस्ताव दिया था मंत्री जी के भोजन कार्यक्रम के लिए। लाली, ओ लाली बिटिया। जी सरपंच जी, कैसा आना हुआ? ये पैसे रखो, कुछ अच्छी सब्जियां और बाकी के सामान ले लेना, आज मंत्री जी आने वाले हैं तुम्हारे घर भोजन करने के लिए। जरूर सरपंच जी, मैं अभी से तैयारी में लग जाती हूँ। शाम को मंत्री जी का आगमन हुआ। लाली ने तमाम प्रकार के लजीज पकवान बनाए थे। वाह बेटा, मजा आ गया, काफी दिनों बाद इतना बढ़िया भोजन किया। शुक्रिया मंत्री जी, ये आमरस पीजिए और भोजन को पूर्ण कीजिए। बिल्कुल बेटा, खाने के बाद आमरस पीने का अलग ही मजा है। मंत्री जी आमरस पीकर लाली के वश में आ जाते हैं। इतना ही भोजन पसंद आया
तो उपहार में क्या दे रहे मंत्री जी? बोलो बेटा, इतना बढ़िया भोजन कराने के बदले में तुझे क्या उपहार दूं? आपके बस में तो सब है, मुझे बागवानी का अनुभव है, माली का काम करती हूँ, मंत्रालय के बगिया की देखरेख करूंगी, वही की नौकरी लगवा दीजिए मुझे। बिल्कुल हो जाएगा बेटा, हमें माली की वैसे भी जरूरत थी वहाँ पर। सचिव, ओ सचिव। जी मंत्री जी। इस बच्ची के सारे दस्तावेज ले लो और इसके भाई के साथ इसकी दिल्ली में रहने और माली की नौकरी की जल्द से जल्द व्यवस्था कराओ। ये मेरे ही मंत्रालय की सरकारी कर्मचारी रहेंगी, पेंशन से लेकर सारा भत्ता इन्हें मिलना चाहिए। ठीक है मंत्री जी, मैं अभी से तैयारी चालू कर देता हूँ। लाली की सारी जरूरतें पूरी हो चुकी थी, उसके द्वारा तोड़े गए वो जादुई आम भी अब खत्म हो गए थे। जादुई आम रस पिलाकर किसी को वश में करने की दोबारा अब लाली को जरूरत ही नहीं पड़ी। वो अब मंत्रालय द्वारा दिए गए आवास में आराम से अपने भाई के साथ आलीशान जीवन जी रही है। लाली का भाई भी मंत्री जी के समर्थन से अच्छे सरकारी स्कूल में अब दाखिल होकर नाम करने लगा है। किशन का परिवार बहुत ही गरीब था। उसके माता पिता एक बड़े साहब के यहाँ एक रसोईया का काम किया करते थे, लेकिन किशन बहुत ही होशियार था और उसका मन कुछ बड़ा कर दिखाने का था, ना कि किसी ऐसे ही किसी का नौकर बनने में। परंतु गरीबी के कारण वो मजबूर था। किशन, हम साहब के यहाँ जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। माँ, आखिर कब तक हम ऐसे दूसरों के घरों में काम करते रहेंगे? बेटा, ऐसे नहीं सोचते, काम कोई भी हो, छोटा या बड़ा नहीं होता। हाँ माँ, लेकिन जितनी मेहनत आप दोनों उनके लिए करते हैं, उतने में तो हम अपना खुद का एक अच्छा सा ढाबा खोल सकते हैं। हाँ बेटा, पता है, लेकिन हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपना खुद का एक ढाबा खोल पाए। किशन ये सारी बातें सुनकर बहुत ही निराश हो जाता है। उसका दिमाग शुरू से ही बिजनेस में तेज चलता था। उसके दिमाग में लोगों के दिए हुए ताने चल रहे थे, कैसे लोग पीठ पीछे सके मम्मी माँ और पिता की बेइज्जती करते थे। अगले दिन किशन कॉलेज जाते हुए मन ही मन में कुछ सोच रहा होता है, तभी, अरे बेटा, मुझे भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दो, 4 दिन से भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया है। भिखारी की ऐसी बातें सुनकर किशन को उस पर दया आ जाती है। वो आगे अपने बैग से कुछ बचा हुआ खाना निकालकर उसे दे देता है। भिखारी किशन की इस उदारता को देखकर उसे भेंट में एक पोटली देता है जिसमें एक जादुई आटा होता है। ये लो बाबा, ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन जो टिफिन मैं कॉलेज के लिए ले जाता हूँ वो आप रख लीजिए, आपको ज्यादा जरूरत है। ये लो बेटा, ये तुम्हारे काम आएगा। बाबा जी, ये क्या है? मुझे पता है तुम किस अवस्था में जीवन व्यतीत कर रहे हो, ये आटा तुम्हारे काम आएगा। इस पोटली को घर जाकर खोलना, ये कोई मामूली आटा नहीं है। याद रहे, इससे जो भी खाना पकाना वो तुम स्वयं ही पकाना, अगर किसी और को दिया तो ये किसी फायदा का नहीं रहेगा। वो पोटली लेकर किशन अपने घर की तरफ निकल पड़ता है, तभी रास्ते में उसे अपना दोस्त मोहन मिल जाता है। अरे भाई किशन, पहले तो तुम दूसरों के यहाँ काम करते थे और अब तुम आटा लेकर सड़क पर घूम रहे हो, है? किशन बहुत ही शांत स्वभाव का था। वो मोहन की बात का बुरा न मानकर वो वहां से चुपचाप चला गया। घर जाते ही उसके दिमाग में आया, क्यों ना मैं इस आटे का डोसा बनाऊं? वैसे भी हमें डोसा खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं। जैसे ही मोहन आटे को तवे पर डोसा बनाने के लिए रखता है, वो डोसा बोल पड़ता है। अरे ये क्या? ये डोसा तो बोल रहा है। हाँ किशन, मैं बोल सकता हूँ। जिस आटे से तुमने मुझको बनाया वो आटा मामूली नहीं था, वो जादुई आटा था। तुम्हें जो मांगना है मांगो, मैं वो चीज तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। अब मुझे अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोलना है
मुझे उसके लिए कुछ सामान चाहिए और एक बड़ा घर जिसमें मैं अपना सामान रख सकूं। किशन जितना समय ये बोलने में लगता है इससे पहले ये सब कुछ बनकर खड़ा हो जाता है। किशन ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। उस जादुई आटे से एक जादुई डोसे वाला घर बनकर तैयार हो जाता है। अब हमारे पास अपना खुद का एक जादुई डोसा वाला घर है। मेरा बचपन का सपना अब पूरा होने जा रहा है और जादुई डोसा वाले घर की मदद से फाइनली मैं अपने रेस्टोरेंट वाला आइडिया पर काम कर सकता हूँ। उस जादुई घर में एक खास बात थी, उसके अंदर कोई भी आदमी कितना भी सामान भर सकता था, चाहे बाहर से घर कितना भी छोटा दिखे। अब किशन का काम बहुत अच्छे से चलने लगा था। दिन भर दिन तरक्की करने और मुनाफा होने के कारण वो अपने काम से बहुत खुश था। अब मोहन और बाकी मोहल्ले वाले लोग किशन और उसकी तरक्की को देखकर जलने लगे थे। देखा तुम लोगों ने एकदम से कैसे ये भिखारी किशन इतना अमीर बन गया। हाँ, कुछ तो बात है जो हमें नहीं पता, वरना ऐसे ही बिना पैसों के कोई इतना बड़ा रेस्टोरेंट नहीं बना सकता। चलो आज रात सब मिलकर उसके घर चलते हैं और उसका कुछ भी सामान नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहकर वे सभी हंसने लगते हैं। अब मोहन और उसके सभी साथी किशन के जादुई डोसे से बने हुए घर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि ये घर कोई मामूली घर नहीं है। चुपके से कदम रखो, सब सोए हुए हैं, कोई गलती से भी उठ ना जाए। हाँ हाँ, ये कैसा अजीब सा घर है, बाहर से तो इतना छोटा था, यहाँ इतना सामान इकट्ठा कैसे कर रखा है। वो सभी लोग जैसे ही सामान की तरफ बढ़ते हैं तो उनके ऊपर एक बोरी से निकलकर बहुत सारा आटा गिर जाता है और वो कुछ भी नहीं देख पाते। अरे ये एकदम ये क्या हुआ, ये आटे की बोरी हम पर किसने गिराई है, मैं तो कुछ देख ही नहीं पा रहा हूँ। वे ये सब यहाँ वहाँ देख ही रहे होते हैं कि उन्हें एक आवाज आती है। क्यों बच्चों, अब आया ना मजा, पता चला कि आटे से क्या क्या हो सकता है। उस दिन बड़े बोल रहे थे तुम किशन को। अरे कौन हो तुम और हमसे क्या चाहते हो। मुझे तो तुमसे कुछ नहीं चाहिए, पर आगे आगे देखो होता क्या है। जादुई डोसा की ऐसी बातें सुनकर मोहन और उसके सभी दोस्त डर जाते हैं और सभी पास में रखे एक किचन सेट से बहुत सारे चाकू एक साथ हवा में उड़कर उन लोगों की तरफ निशाना साध लेते हैं। कौन हो तुम और क्या चाहते हो, प्लीज हमें यहाँ से जाने दो। तुम तो किशन को मजा चकाने आए थे ना, अब क्या हुआ, निकल गई हवा। तभी वो सारे चाकू बहुत ही तेजी से उनकी तरफ आते हैं और उनको बिना चोट पहुंचाए दीवार में लग जाते हैं। ये सब देखकर मोहन और उसकी मंडली की आंखें फटी की फटी रह जाती है, उसकी रोने जैसी हालत हो जाती है। बस इतने में ही डर गए, अभी तो और भी बाकी है। जादुई डोसा को ऐसा कहते ही सारा घर घूमने लगता है और वे लोग पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं, लेकिन जादू की वजह से उनकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। बोलो, आज के बाद फिर से किशन को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे? नहीं नहीं, हम आज के बाद किशन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। देखना भी मत, वरना अगली बार वो सब करूंगा जो तुम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। चलो अब दफा हो जाओ यहाँ से और दोबारा किशन के आसपास दिखाई मत देना, समझे। ऐसा सुनते ही वे लोग माफी मांगते हुए वहां से डरकर भाग जाते हैं और कभी मुड़कर वापस नहीं आते। सर्वेश नगर नामक एक गांव था, वहां सभी हंसी खुशी से खेती बाड़ी का काम करके अपना जीवन यापन किया करते थे। धर्मेंद्र भी उनमें से एक था, उसकी मूली की खेती थी। पूरे गांव में सबसे अच्छी मूली की खेती धर्मेंद्र ही किया करता था। धर्मेंद्र का छोटा भाई देव भी खेत में हाथ बटाया करता था। काम बहुत अच्छे से चल रहा था, धर्मेंद्र को कोई परेशानी नहीं थी, मगर दूसरी जगह देव को धर्मेंद्र से बहुत जलन होती थी।
हर बार भैया की ही तारीफ होती है। मैं चाहे कितना भी खेती में मदद कर लूं, अंत में सारी वाहवाही वही ले जाते हैं। घर के सभी खर्च का हिसाब भी धर्मेंद्र रखा करता था। देव को अगर कोई चीज लेनी होती थी तो उसे धर्मेंद्र से मांगनी पड़ती थी, जिस वजह से देव गुस्से में रहने लगा था। इतना सब के बाद भी देव सब कुछ अनदेखा करके काम में हाथ बटाया करता था। एक दिन देव के कुछ दोस्तों ने बाहर शहर जाकर घूमने का सोचा, मगर देव ने जैसे ही अपने भैया से पैसे मांगे तो धर्मेंद्र ने मना कर दिया। देव, इस वक्त हमें खेती पर ध्यान देनी चाहिए, हम फसल बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तुम्हें जाना है तो तुम कभी और चले जाना, वैसे भी इस बार बहुत समस्या आ गई है। देव धर्मेंद्र की बातें सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है, गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। तभी देव का दोस्त भोला वहाँ दिख जाता है। अरे क्या बात हो गया देव, इतना परेशान क्यों हो, और घूमने तो चल रहे हो ना? हैं? नहीं यार, भैया ने पैसे देने से इनकार कर दिया है, कहते हैं इस बार खेती में कुछ समस्या आ गई है, सारे पैसे उधर ही खर्च हो गए हैं। अरे पूरे गांव में तो तेरे खेत की ही मूली प्रसिद्ध है और तुझे ही पैसे की कमी आ रही है, ये कैसे हो सकता है? भैया ने तो ऐसा ही कहा है। क्या तू हर वक्त भैया भैया करता रहता है, वो खेत तेरी भी तो है ना, है? मैं तो कहता हूँ कि तू खेती अलग से शुरू कर दे, और इतने सालों में तुझे भी तो मूली की खेती करना सही तरीके से आ गया होगा, फिर तू अपनी खेती कर और अपने पैसे जहाँ मन वहाँ खर्च कर। अगले दिन से देव खेत की दूसरी ओर से अपनी खेती शुरू कर देता है। धर्मेंद्र को समझ नहीं आ पाया कि ये क्या हो रहा है। ये क्या कह रहे हो देव, अभी नई मूली नहीं लगानी है? नहीं भैया, अब से आप अपनी खेती करेंगे और मैं अपनी करूँगा, आप मुझसे मतलब मत रखिए। देव की बातें सुनकर धर्मेंद्र को बहुत अजीब लगता है। उस वक्त धर्मेंद्र देव से कुछ भी नहीं कहता है, देव अपनी खेती करना शुरू कर देता है। वो रोज आकर खेत में काम करता था और पैसे कमाने के सपने देखता रहता था। एक दिन आया जब देव अपने खेत की मूली की कटाई करके उसे बेचने गया, मगर बहुत ही कम लोगों ने उसकी मूली खरीदी, सभी लोग धर्मेंद्र की मूलियाँ खरीद रहे थे। तभी वहाँ भोला आता है। देखा भाई, अभी तेरे भैया की वजह से तू कमा नहीं पा रहा है, मेरी मान, तू अपने भैया को ये काम करने से रोक, तभी जाकर तेरी बिक्री होगी। और वैसे भी लोगों का कहना है तेरे मूली कुछ खास नहीं है, जितने तेरे भैया के हैं। ये सब देखकर धर्मेंद्र को अच्छा नहीं लगता है, वो देव के पास आता है। देव, मुझे तुम्हारी मेहनत और लगन देखकर बहुत अच्छा लगा है, पर तू बुरा मत मान, मैं तुझे ये काम सिखा दूंगा, इस काम को करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तू भी वक्त के साथ ये सब सीख जाएगा। आप तो खुशी हो रहे होंगे, आखिर आपकी ही मूली बिक रही है। ये सब कहकर देव अपना सारा सामान बांध कर चला जाता है। अब मैं कुछ भी करके भैया की खेती हटा कर रहूंगा। देव ने सोचा क्यों ना वो धर्मेंद्र की मूली चुरा ले और उसी को ही बेचकर पैसे कमाए। वो वापस से मूली की खेती शुरू कर देता है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। जिस दिन मूली बड़ी हो गई, उसके अगले ही दिन उसे बेचने जाने का वक्त आ गया। देव रात में ही धर्मेंद्र के खेत में घुसकर सारी मूलियाँ बदल कर अपने घर ले आता है। अब आप देखिए भैया, सभी मेरी ही मूलियाँ खरीदेंगे। वो जैसे ही मूली को रखकर सोने जा रहा था, तभी उसने देखा कि मूलियाँ अचानक से खुद वो खुद बड़ी होती जा रही है। सभी मूली रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, वो सभी मूली धीरे धीरे बहुत बड़ी होती जा रही थी। ये सब क्या हो रहा है, ये मूलियाँ खुद कैसे बड़ी होती जा रही है? ऐसा ही चलता रहा तो ये सारे मेरे घर में भी नहीं रह पाएंगे और सबको मेरी चोरी का पता चल जाएगा। देव जैसे जैसे करके सारी मूली धर्मेंद्र के खेत में वापस रखकर अपनी मूलियाँ लेकर वापस आ जाता है। देव कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। अगली सुबह जब धर्मेंद्र अपनी मूलियाँ बेचने आया, तब देव ने देखा कि सारी मूली अपने साधारण आकार में ही थी। पकड़े जाने के डर से देव धर्मेंद्र से मूली के बारे में पूछ भी नहीं पा रहा था। जरूर भैया अपनी मूलियों के साथ कुछ करते हैं, वरना ऐसे कैसे मेरे घर मूलियाँ लाने से मूलियाँ इतनी बड़ी हो गई और फिर अपने पहले आकार में आ गई। कोई बात नहीं, आधी मूली जो बची है उन्हें मैं किसी बड़ी जगह पर लेकर छुपा देता हूँ। देव रात के वक्त आधा मूली बदल कर एक बड़े मैदान में जाकर रखता है। मैं यहीं से जाता हूँ, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। मगर फिर जैसे ही देव की आंखें लगी, उसे अचानक से बिजली का झटका लगता है।
वो तुरंत उठकर बैठ जाता है और मूलियों को देखता है। फिर जैसे ही मैदान पर वो पैर रखता है, उसे फिर से बिजली के झटके लगने लगते हैं। देव समझ जाता है ये सब फिर मूलियों की वजह से हो रहा है। देव भागता हुआ मूलियों को वापस धर्मेंद्र के खेत में रख आता है। ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देव सारी बातें भोला को बताता है। अरे तो ये सारी समस्या तब आती है जब तुम मूली को अपने पास रखते हो। एक काम करो, अगली बार तुम सारी मूलियाँ लाना और उन सबको बर्बाद करके फेंक देना। तुम्हारे भैया के पास मूलियाँ रहेंगी ही नहीं तो सारे गांव वाले तुमसे ही मूलियाँ खरीदेंगे। देव ने भी यही करने का सोचा और मूली की खेती करना शुरू कर दिया। और कटाई के बाद वो फिर रात में धर्मेंद्र के घर जाता है और उसकी सारी मूलियाँ चुरा कर लेकर जाता रहता है। तभी धर्मेंद्र की आंख खुल जाती है। वो देव को मूली ले जाते देखता है और उसका पीछा करता है। देव सारी मूलियाँ लेकर नदी किनारे जाता है और जैसे ही हंसुआ से मूलियाँ काटना चाहता है, वो हंसुआ उसकी तरफ मुड़ जाता है और उसे घायल कर देता है। देव को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जोर से उसकी तरफ मारना चाहता है और तभी उतनी ही जोर से वो हंसुआ उसकी तरफ आने लगता है। और तभी धर्मेंद्र भाग कर आता है और देव को बचाता है। तुम क्या करने की सोच रहे थे, तुम्हें पता भी है तुम कितना बड़ा पाप अपने सर पर लेने जा रहे थे। आज मैं नहीं आता तो तुम्हारी जान भी चली जा सकती थी। देव धर्मेंद्र को गले लगाकर रोने लगता है। धर्मेंद्र देव को बताता है कि एक बार उसके पास एक मुसाफिर आया था जिसके पास कुछ भी नहीं था। तब उसने उस मुसाफिर को अपनी सारी जमा पूंजी दे दी थी क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी। और तभी उस मुसाफिर ने धर्मेंद्र को एक अनोखी मूली की खेती की तरकीब बताई थी जिस वजह से वो पूरे गांव में सबसे प्रसिद्ध मूली होगी और कोई भी कभी भी उसे चुराना या खराब करना चाहेगा तो उस इंसान के साथ ही बुरा होगा। बाद में उसे पता चला था कि वो कोई आम मुसाफिर नहीं बल्कि एक सिद्ध मुनि थे। इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें सही तरीका सिखाऊंगा, मगर तुम तो गलत ही काम करने पर लगे हो। और तुम ही बताओ, मैं अपने भाई की तरक्की से क्यों जलूंगा? तुम तो घर छोड़कर भी चले गए थे। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैं आपके प्यार को कभी नहीं समझ पाया। मुझे लगा आप सिर्फ अपना सोचते हैं। अब से मैं हमेशा आपके साथ ही काम करूंगा। देव और धर्मेंद्र दोनों मिलकर जादुई मूली की खेती करने लगते हैं।